दुनिया में रकबे के लिहाज से 12वें नंबर पर, आबादी के लिहाज से 3रे नंबर पर और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची। अपने अंदर करोड़ों कहानियां समेटे हुए और करोड़ों ही जज्बात समेटे हुए ये शहर रोज़ाना करोड़ों लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करता है। इसके अंदर इतनी स्टोरीज हैं, इतना मैटर है इस शहर में जो शायद ख़त्म होने का नाम ही ना ले। जितना बड़ा ये शहर है उतने ही इसके मसाइल हैं, उतने ही इसमें शायद रिसोर्सेज भी हों जिनको ढूंढने की ज़रूरत है और इसी बारे में आज हम बात करेंगे। सो वेलकम बैक टू दिस चैनल माइंड फ्यूल और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे एंड तक ज़रूर देखिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए और साथ साथ अगर आपको मेरे वीडियोस अगर आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन में इजाफा करते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सो लेट्स बिगिन दिस पॉडकास्ट। तो जनाब, सबसे पहले तो मुर्तज़ा वहाब साहब को मुबारक कि वो नए मेयर हमारे मुंतखब हुए हैं एंड उम्मीद करती हूँ कि वो पाकिस्तान के में ज़रूर कुछ कराची में ज़रूर कोई पॉजिटिव चेंज लेकर आएंगे, कुछ अच्छे तरीके से चीज़ों को प्लान करेंगे। मैंने उनका एक पॉडकास्ट देखा था जहाँ पे ही वॉज पॉइंटिंग आउट दी एग्जैक्ट इशूज़ ऑफ कराची एंड आई होप कि वो उस चीज़ को जिस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया, जिस तरह के वो अपने आइडियाज़ इनपुट दे रहे थे कि ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, वो वाकई में उस चीज़ को प्रैक्टिकली करें। तो जब उनका टेन्योर शुरू होगा प्रॉपरली, मेरे ख्याल में हो ही चुका होगा, और जो वो करेंगे, क्योंकि अभी हम अचानक से तो कुछ नहीं कह सकते, तो लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। तो जनाब, बात करते हैं कि एग्जैक्टली हम पॉलिटिकली बात नहीं करेंगे। कोई भी हो, इस शहर को किसी ने ओन करने की कोशिश नहीं की है, जबकि ये शहर एक ऐसा शहर है जो इस मुल्क की इकॉनमी में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है। मुल्क की इकॉनमी हो, डोनेशंस हो, वेलफेयर का काम हो, सबसे आगे कराची होता है। किसी को अपने अंदर जगह देनी हो, किसी को रेफ्यूज प्रोवाइड करना हो, कराची इज़ ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। बल्कि अफगान रेफ्यूजीज हों या बांग्लादेशी रेफ्यूजीज हों, उनको तक इस शहर ने अपने अंदर जगह दी हुई है। इस शहर के अपने लाखों करोड़ों मसाइल हैं, इस शहर के अपने रहने वालों के बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन ये शहर खुशियाँ बांटता रहता है, लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करता रहता है। तो इसी शहर के बारे में आज हम बात करेंगे। बेसिकली लोग बड़े आराम से कहते हैं जब हम ट्रैवल करते हैं कहीं पर भी, अच्छा आप कराची से, कराची तो बड़ा गंदा है। तो जाहिर सी बात है ना, जो लोग वहाँ कराची में रह रहे हैं उन्हीं की वजह से गंदा है ना। आपके बीचेस पे जब भी आप जाते हो, आजकल हालात ऐसे हैं कि कोई भी नॉर्मल इंसान कराची के बीच पे शायद जाना ना पसंद करे। जो एक कॉमन बीच है सी व्यू, वहाँ पे कोई भी एक नॉर्मल इंसान अपनी नॉर्मल फैमिली को लेके जाना नहीं पसंद करेगा। द रीज़न इज़ दैट कि जिस तरह से वहाँ पे लोग आ रहे होते हैं, जितनी गंदगी वो फैला रहे होते हैं, तो वहाँ पे जाना एक थोड़ी इम्पॉसिबल सी बात है। और उसके अलावा माशाल्लाह से जो उस पानी में गंद फैलाया है, आई एम जस्ट द लेस आई से द बेटर इट विल बी। उसी सेट के थोड़ा सा आप आगे उसी लाइन में थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपको थोड़ा सा माहौल बेहतर मिलता है, बट द थिंग इज़ दैट कि ये प्रॉब्लम है। उसके अलावा आप सड़कें देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे पूरे शहर को खोद के रख दिया जाता है, एक प्रॉपर वे में, एक प्लान्ड वे में काम नहीं किया जाता। जबकि अब की बार मैं वैसे एक बात बोलूँगी कि थैंकफुली जैसे अगर मैं यूनिवर्सिटी रोड की बात करूँ तो एटलीस्ट जो यूनिवर्सिटी के सामने वाला जो हिस्सा है और आगे भी शायद थोड़ा सा आगे जाके भी थोड़ा बेटर किया हुआ है कि बिल्कुल मलबा इस तरह नहीं कर दिया कि लोग वहाँ से गाड़ियाँ गुजार ही नहीं सकते। प्रॉब्लमेटिक है बट नॉट टू दैट एक्सटेंट कि बिल्कुल ही सड़क खोद के रख दी हो कि वहाँ से गाड़ियों का गुजरना ही मुश्किल हो जाए। एक बाउंड्रीज उन्होंने सेट की हैं, उसी के अंदर वो कंस्ट्रक्शन हो रही है। बाहर जाहिर सी बात है रोड आपका छोटा हो गया है, कंस्ट्रक्शन हो रही है तो ट्रैफिक का गुजरना एक इशू बन रहा है। खैर, ट्रैफिक का इशू तो शायद कराची में हमेशा से ही है। मुझे लगता है कि वीकली गाड़ियों में इजाफा होता है कराची में, वीकली हिसाब से। और आप जब वीकेंड्स पे निकलते हैं तो बम्पर टू बम्पर आपकी गाड़ी लगी हुई होती है, और एक जगह जहाँ पे आप शायद 40 या 45 मिनट में पहुँच सकते हैं, वहाँ पे आपको घंटों लग जाते हैं पहुँचने के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक इश्यूज। उसके अलावा अगर आप बात करें कि
कराची में कचरा गंद क्यों है, जैसे कि मैंने कहा कि लोग बात करते हैं कचरा गंद क्यों, मैंने ये भी बोला कि भाई वो तो लोग खुद ही कर रहे होते हैं, कोई एहसास नहीं है, कुछ भी नहीं है। कराची के अपने लोग हों वो भी शायद इसी तरह कुछ कर रहे होते हैं, उनमें शायद फिर थोड़ी सी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो यहाँ के ओरिजिनली लोग हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर से दूसरे शहरों से आते हैं, दूसरे सूबों से आते हैं। देखिए जब आप अपने सूबे में जाते हैं ना और आप अपने सूबे को देखते हैं, अपने शहर को देखते हैं, तो वहाँ पे आपने बड़ी अच्छे से चीज़ों को प्लान किया हुआ होता है, वहाँ पे आप गंदगी नहीं कर रहे होते, वहाँ पे चोरी डकैती नहीं हो रही होती, वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे होते। लेकिन यही चीज़ जब आप कराची में आते हैं तो आपको ये हर चीज़ दिखती है। मुझे एक अपना वाक्य याद है कि मैं लाहौर में थी बैक इन 2016-17। एक मेरे अब्बू के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, वो मार्च का टाइम था। मैं लाहौर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ, मुझे लाहौर पसंद भी बहुत है क्योंकि बड़ा खूबसूरत शहर है। तो जो कनाल बीच में से गुजर रही है, तो मार्च का टाइम था और वहाँ पे बड़े उसमें मॉन्यूमेंट्स वगैरह पड़े हुए थे और मतलब रखे हुए थे उन्होंने लाइटिंग वाइटिंग और फ्लावर्स और ये सारी चीज़ें, बड़ा खूबसूरत उन्होंने उसको डेकोरेट किया हुआ था। स्प्रिंग सीज़न आने वाला था, साथ में 23 मार्च भी होने वाली थी। तो इन सारी चीज़ों के साथ ना, तो अंकल ने अज़े मजाक मुझसे कहा कि अगर ये वहाँ लगा होता ना, कराची में ये चीज़ हो रही होती, तो अभी तक इसकी बत्तियाँ या कुछ ना कुछ चोरी हो जाता। बात सही है, मैं झूठ क्यों बोलूँ, लेकिन बात ये है कि ऐसा क्यों होता है। आप इस शहर को ओन करना शुरू कर दें, आप यकीन करें कि बहुत सारे क्राइम्स जो है ना वो कम हो जाएंगे। आप इस शहर की सिक्योरिटी को ओन करना शुरू कर दें तो भी ये मसाइल कम हो जाएंगे। जो जो इलाकों में एडमिनिस्ट्रेटर आपने रखे हुए हैं वो उसी इलाके का लेके रखें तो वो जगह को ओन करेगा तो भी मसाइल कम हो जाएंगे। कराची को सिर्फ एक अंडे सोने का अंडा देने वाली अगर मुर्गी ना समझा जाए, इस शहर को शहर की तरह लिया जाए, इसे अपना घर माना जाए, तो डेफिनेटली कराची कैन बी एज ब्यूटिफुल एज डिफरेंट अदर सिटीज आर। उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे मैंने बात की कि क्राइम्स की ही मैं बात अगर आगे लेके चलूं, तो जैसे मैंने बोला कि सिर्फ ये नहीं है कि बाहर से आने वालों की मैं बात करूं, लोकल्स भी इस चीज़ में एंगेज है। आप देखिए कराची की आबादी 3 करोड़ से ज़्यादा है और जब हम सेंसस देखते हैं तो वो 1.5 करोड़ शो कर रहा होता है। लाइक आर यू सीरियस, आप शारे फैसल पर भी अगर खड़े हो जाएँ तो शायद करोड़ मतलब किसी ठीक ठाक ट्रैफिक दिन के दिन वाले लोग खड़े हो जाएँ आप, तो आपको 10 से 20 लाख बंदा तो शारे फैसल पर मिलेगा। और इसी तरह आप डिफरेंट और रोड्स पे जाएं तो आपको तकरीबन करोड़ के हिसाब से तो शायद पूरे शहर का ट्रैफिक दिखेगा। तो फिर बाकी जो लोग हैं क्या वो मतलब सिर्फ 50 लाख रह जाते हैं जो घरों के अंदर हैं? दिस इज़ सो स्टूपिड। तो एक प्रॉपर जो एक मर्दमशुमारी है वो शहर की होनी चाहिए और उस मर्दमशुमारी के हिसाब से इस शहर को फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, क्योंकि ये शहर ही है जो कि बेसिकली इकोनॉमिक बैकबोन है इस मुल्क की। तो इसको प्लीज़ ओन करें। और बहुत सारे मसाइल हैं, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन से लेके एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, और इस पे तो मतलब समझे कि पूरे पूरे सेशन हुए हैं, आर्टिकल्स लिखे गए हैं कि किस तरह लोग फेस कर रहे हैं। गैस का प्रॉब्लम है, किसी टाइम आती है किसी टाइम नहीं आती, किसी टाइम हम बिल्कुल वेले बैठे हुए होते हैं कि गैस आएगी तो घर में कुछ बनेगा। और कितने लोग हैं जो कि बिजली से परेशान होकर उन्होंने फिर फाइनली अपने घर पे अपने घर को उन्होंने सोलर क्या कहते हैं सिस्टम के साथ उन्होंने अपने घरों को इंगेज कर लिया और सोलर पैनल्स लगा लिए और ताकि वो कम से कम इस बिजली के झंझट से तो हटें। लेकिन देखें बिजली तो शायद फिर कंट्रोल हो जाती है, लेकिन ये जो गैस का इशू है, बच्चे भूखे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लेकिन वो सॉल्व नहीं हो रही। कभी पानी आ रहा है कभी पानी नहीं आ रहा है, इतना बड़ा शहर है पानी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, प्रॉपर पानी दिया नहीं जाता है शहर को, इतनी बारिशें होती हैं प्रॉपरली पानी को सिक्योर नहीं किया जा रहा, लोगों को अवेयरनेस नहीं दी जा रही कि पानी को किस तरह इस्तेमाल करना है, क्या करना है, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या मुश्किलात हैं। तो मेरे ख्याल में मेयर साहब को इन तमाम एंगल्स को, बल्कि इससे ज़्यादा और कई एंगल्स होंगे, वो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। उनका मैंने जैसे कहा कि मैंने पॉडकास्ट देखा था, उनको इल्म है प्रॉब्लम्स का, तो आई एम श्योर कि वो इन चीज़ों को देखेंगे, इन चीज़ों पर फोकस करेंगे एंड आई एम लुकिंग फॉर द बेटर आउटकम्स। थैंक यू सो वेरी मच। और अगर इस चाहें तो इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।